संजय राउत ये शिवसेना का वो चेहरा है जिनसे पार्टी के अंदाज और उसके मिजाज और अलग अलग मुद्दों पर पार्टी के मूड का तापमान पता चलता है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये बात चर्चित है कि पार्टी का मुखपत्र अगर सामना है तो पार्टी का मुख कोई और नहीं बल्कि खुद संजय राउत ही हैं। लिहाजा किस मुद्दे पर पार्टी का क्या स्टैंड है, अगर ये जानना हो तो संजय राउत से जाना जा सकता है। हाल फिलहाल संजय राउत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वो, उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोग पात्राचौल लैंड स्कैम के मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। ऐसे में उनकी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है, उन संपत्तियों को जुटाने के सोर्सेस का पता लगाया जा रहा है। ऐसे में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर संजय राउत और उनकी पत्नी, जो कि उनसे भी ज्यादा अमीर बताई जाती हैं, वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। एक सामान्य साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले संजय राउत मुंबई के डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य विषय में ग्रेजुएट हैं। शुरू से ही जुझारू प्रवृत्ति के रहे संजय राउत ने जीवन में भी तेजी से तरक्की की। वे शिवसेना से जुड़े तो सामना के संपादक के तौर पर, इनकी छवि एक प्रखर पत्रकार के तौर पर उभरी। राज्यसभा में पार्टी की आवाज संजय राउत के संबंध में एनबीटी की एक रिपोर्ट में MyNeta.info के हवाले से बताया गया है कि साल 2016 में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरते समय संजय राउत की ओर से चुनाव आयोग के समक्ष जो हलफनामा पेश किया गया था, उसके मुताबिक उस समय संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के पास कुल 14 करोड़ 22 लाख 60 हजार रुपए की संपत्ति थी। साल 2016 में पेश किए गए उस हलफनामे के मुताबिक उन पर 4 करोड़ 70 लाख रुपए की देनदारियां भी थी। अगर इनकी मूवेबल प्रॉपर्टी या चल संपत्ति की बात करें तो संजय राउत और इनकी पत्नी वर्षा राउत के पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए की मूवेबल प्रॉपर्टी है। इनमें से संजय राउत के पास 1 करोड़ 75 लाख रुपए की चल संपत्ति, जबकि इनकी पत्नी के पास 51 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति है। इस संपत्ति में इनकी सोने चांदी की ज्वेलरी भी शामिल है। 2016 के हलफनामे के मुताबिक राउत के पास 1,40,000 रुपए की कार एनसेंट और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है। आपको बता दें कि MyNeta.info की आंकड़े साल 2016 के चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए हलफनामे के आधार पर हैं। अब बात करते हैं इनकी अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इस मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत उनसे ज्यादा रिचिरिच हैं। 2016 के हलफनामे के मुताबिक राउत दंपत्ति के पास कुल 11 करोड़ 92 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इनमें से अकेले वर्षा राउत के नाम से 7 करोड़ की अचल संपत्ति, जबकि संजय राउत के पास 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उनकी इस संपत्ति में खेती योग्य भूमि, गैर खेती योग्य भूमि, कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी शामिल हैं। इन दोनों के ही नाम से दादर और भांडुप में फ्लैट्स भी हैं, जबकि वर्षा राउत के पास एक कमर्शियल इमारत जिसकी कीमत 3 करोड़ 76 लाख रुपए बताई गई है, जबकि 50 लाख रुपए कीमत की 8 गैर कृषि योग्य भूमि भी है। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी पेशे से एक शिक्षिका हैं, साथ ही एक फर्म में पार्टनर भी हैं। चर्चाएं हैं कि साल 2016 में दिए गए हलफनामे में संपत्तियों का जो ब्यौरा दिया गया था, संभावित तौर से वो बढ़ भी गया होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउत दंपत्ति का नाम है, जिसमें से संजय राउत पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मामले की जांच जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।